दोस्तों, अगर आपने भी स्मार्ट वॉच ले रखी है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपनी स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ कैसे पेयर करें या कैसे वाइंड करें, तो आपको वीडियो पूरा हेल्प करने वाला है। आज के वीडियो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि अगर आपने भी पहली बार अपनी स्मार्ट वॉच ले रखी है तो उसको अपने फोन के साथ कैसे पेयर करते हैं या कैसे वाइंड करते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपके फोन में ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए बाइंड करने के लिए, और ऐप कौन सी होगी वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने कौन सी ऐप मेंशन कर रखी है उस स्मार्ट वॉच के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर बोट वेव नियो वाली स्मार्ट वॉच की बात करें, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, तो कंपनी ने मेंशन कर रखा है कि इस स्मार्ट वॉच के लिए आपको अपने फोन में बोट हब वाली ऐप को इंस्टॉल करना है। वैसे अगर आपके बोट की एक्सटेंड वाली स्मार्ट वॉच है या बोट की स्टॉर्म वाली स्मार्ट वॉच है या नॉइस ब्रांड की है, किसी भी ब्रांड की है, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी ने मेंशन कर रखा होता है कि इस स्मार्ट वॉच के लिए या उस स्मार्ट वॉच के लिए आपके फोन में ये वाली ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए, तभी आप अपने इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ बाइंड कर सकते हैं। जब आप ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपके फोन में जीपीएस लोकेशन वाला ऑन होना चाहिए। जैसे आपको अगर स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो मैंने पहले ऑन कर लिया है, इसको आप जल्दी से ऑन कर देता हूं, और जीपीएस भी ऑन कर दिया है। और अगर ये ऑन नहीं है तो आप सेटिंग्स में जाके लोकेशन वगैरह को ऑन कर दीजिए। और थर्ड स्टेप ये होता है कि आपकी जो स्मार्ट वॉच है वो आपके फोन के साथ पास रखी होनी चाहिए। अगर आपने अपनी स्मार्ट वॉच को दूर रखा है तो आप अपने फोन के साथ इस स्मार्ट वॉच को या कोई भी स्मार्ट वॉच को बाइंड नहीं कर पाएंगे। उसके जब आप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इस तरीके से फीचर आएंगे, जैसे मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूं, तो देखिए यहाँ पे आएगा स्टार्ट पेयरिंग वाला ऑप्शन और इसको मैं पास कर देता हूं। तो मैंने अपने फोन में ब्लूटूथ और जीपीएस को पहले ऑन कर दिया था जैसे आपको मैंने बताया, और दोनों को मैंने पास पास रखा है। तो आप देखेंगे सर्च करेगा और इसको यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, तो यहाँ पे शो भी कर रहा है वेव न्यू। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं, और स्कैन करने का वो अकॉर्डिंगली इस स्मार्ट वॉच के लिए जो भी ऐप है वो आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा और उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया, मैं पेयर पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे पेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट बाइंडिंग ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आ गया डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो अब ये ऐप जो है आपके फोन के साथ बाइंड हो चुकी है, और आप इसमें जो भी फीचर्स है उनको यूज कर सकते हैं, चाहे नोटिफिकेशन का हो या क्लाउड वॉच फेस लगाने का ऑप्शन हो, वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप बाइंड नहीं करेंगे अपनी स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ तो आप ना ही नोटिफिकेशन को ऑन कर पाएंगे, ना ही क्लाउड वॉच फेसेस या कस्टम वॉच फेसेस को लगा सकते हैं। तो ये बेसिक स्टेप फॉलो करने होते हैं अगर आपको अपनी किसी भी स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ बाइंड करना है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।